वो हमें ज़रूर बताएं। अलीगढ़ का सौभाग्य है कि इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी हमारे बीच में है, हमारे देश का गौरव है और हमारी नई जनरेशन को इतना मोटिवेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस आज हमारे आज के चीफ गेस्ट जफर इकबाल जी की ओर से चंद शब्द जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। हिंदुस्तान हॉकी के कैप्टन मिस्टर जफर इकबाल साहब, अलीगढ़ नमाइश में स्पीच देते हुए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है आफ्टर लॉन्ग टाइम आई वुड से, एंड वी हैव अ नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ओवर हियर। द कमिश्नर दयाल साहब इज ऑल्सो हियर, द डीएम चंद्रभूषण साहब इज ऑल्सो हियर, एंड मैनी मोर लाइक द चीफ ऑफ थेरेपिस्ट ऑफ एम्स ही इज ऑल्सो हियर, एंड द प्रेसिडेंट पांडे साहब इज ऑल्सो हियर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस इससे पता चल रही है कि यस दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम वही है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ ख़ास तौर पे शर्मा साहब के कि उन्होंने ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, और बधाई के पात्र भी हैं वो और उनके जितने भी साथी कार्यक्रम करवा रहे हैं और सफलपूर हो रहा है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मगर ख़ास तौर पर चंद्रभूषण साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ही इज़ हिमसेल्फ इज़ इन्वॉल्व, और ये उनको लग रहा है, मुझे लगता है कि उनको चस्का भी लग गया है फिजियोथेरेपिस्ट का कि क्या एनी एडवांटेजेस हैं। बहरहाल जितने भी यहाँ पे मौजूद लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ एक्सपर्ट भी हैं, उनकी राय भी ज़रूर हम लोग सुनेंगे। मगर ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरा ताल्लुक या इस खिलाड़ियों का ताल्लुक जो है इससे बहुत पुराना है, फिजियोथेरेपिस्ट से। और मुझे अभी भी याद है जब हम लोग बिफोर द एशियन गेम्स इन दिल्ली विच इंडिया हैड कंडक्टेड इन 1982, बट बिफोर दैट ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग को मसले मसाइल आते थे हैवी ट्रेनिंग के बाद कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, तो यही कहा जाता था कि भाई मैस्योर जो है उसको बुलाया जाए। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पे था जो मैस्योर उसको डील करता था, बट लेटर ऑन जब हम लोग ओलंपिक्स गए 84, पता चला कि यस दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि योग जो योगी जो 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 योग करते हैं हम लोग, ये 1982 से पहले हम लोगों को सिखाया जाता था, और हम लोग बड़ा यानी बुरे लफ्ज़ों में कहते थे कि भाई अभी इतनी हैवी डोजिंग की है प्रैक्टिस के, 3.5 घंटे हम लोगों को दौड़ाया है और फिर वो हमें लेटा रहे हैं। भाई क्या किस लिए लेटा रहे हो? कहने लगे भाई आप लोग बिल्कुल शांत रहे, सांस लें, किसी को बस अपने परमात्मा को याद रखें और बिल्कुल लेटे रहें, एंड डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूज टू डू इट। तो मेरा मतलब ये है कि एक तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उसकी जानकारी जो है वो पब्लिक को ज़रूर होना चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, यानी उसको जानकारी देने के लिए ये जो मंच है वो इसीलिए बना है कि फिजियोथेरेपिस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है और किस डिपार्टमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए या डॉक्टर्स के पास जाए। अगर डॉक्टर के पास जाता है तो वो ज़रूर मेडिसिन आपको खिला देगा और फिर उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, मगर फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसको बहुत नॉलेज होती है बॉडी के मसल्स के बारे में, डिफरेंट पार्ट जॉइंट्स के बारे में, और इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसमें कई भाग हैं जो सब एक्सपर्ट्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन को कहा जाता है, स्पोर्ट्स यानी थेरेपिस्ट के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो जागरूकता पब्लिक के अंदर हो जिससे कि वो समझ सके कि अगर मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, ये मसल्स में दर्द हो रहा है, क्वाड्रिसेप्स में हो रहा है,
ये हैमस्ट्रिंग में हो रहा है, ये टेनिस एल्बो हो गया, इसका जो है इलाज बेसिकली ये थेरेपिस्ट करते हैं, नॉट द डॉक्टर। डॉक्टर तो आपको खिला देगा। और मैं आपको बहुत बड़ा यानी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो हम लोग के साथ हो चुका है। और ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि जब 1982 एशियन गेम्स हो रहे थे तो एक एथलीट था विच आर नॉट गोइंग टू नेम, वो एथलीट डिकैथलन में ही वॉज नंबर वन इन द एशिया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो एथलीट को अगले दिन कॉम्पिटिशन शुरू होता है डिकैथलन का, जिसमें 10 इवेंट्स होते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन इन द एथलेटिक ग्रुप। तो उसके अंदर उसको कुछ घबराहट हुई, कुछ पेन हुआ बॉडी में, तो वो उसने क्या किया कि किसी से सलाह ली और उसने गोली खा ली। अब जब उसने गोली खाई तो उसकी बॉडी हो गई इतनी रिलैक्स कि उससे अगले दिन वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाया। यानी यू कैन बिलीव कि एक गोली ने, जबकि उसको पूरा ये था कि ही इज गोइंग टू गेट द गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री एंड ही बिकेम द फोर्थ, इवन ही कुड नॉट गेट द मेडल इन द, यानी ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं ले पाया। तो आप ये सोचिए कि अगर उसका अगर ये थोड़ा सा भी आइडिया होता कि मुझे जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या मैस्योर के पास जाना है, मसल्स क्रैम्प हो रहा है, या इलेक्ट्रोलाइट को जो खाते पीते हैं लोग वो लेना है, बस सडनली किसी ने एडवाइस किया कि एक्स एंड वाई गोली ले लो, यू विल बी रिलैक्सिंग टुमारो, क्योंकि रिलैक्सिंग इज ऑल्सो नॉट ए वेरी गुड थिंग। जैसे स्पोर्ट्स में कहते हैं कि आपको बहुत रिलैक्स कर दिया तो बगैर टेंशन के आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, यू हैव टू हैव अ टेंशन इन योर बॉडी इन योर माइंड। तो वो भी ज़रूरी होना चाहिए अगर किसी हायर कंपटीशन में लें, चाहे स्कूल के बच्चे के लें या कॉलेज के यूनिवर्सिटी में, तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस फील्ड में काफ़ी लोगों को जागरूकता दिलानी चाहिए, और ये बहुत अच्छा मंच है, बहुत बड़ा विशाल मंच है हमारे पास, जिससे कि हम कर सकते हैं, लोगों को जागरूकता लग कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है, मुझे अभी भी याद है कि जब हम 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम खेल रहे थे तो मेरे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम हुई, मैंने कहा आई एम हैविंग सम पेन इन माई लेफ्ट नी एंड मैं ज़रा डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। उसने डॉक्टर ने तो मना कर दिया वहाँ के, तो उन्होंने मुझे भेजा एक्सपर्ट वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो उसने मैंने कहा उसने पूछा कि वे यू आर हैविंग ए पेन, तो मैंने कहा आई एम हैविंग ए पेन इन माय लेफ्ट नी। तो ही सेड कि यू वेट, दिस मैन हैज़ गॉन टू ट्रीट सम प्लेयर अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर। तो मैं आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। तो मैंने कहा तुम यार ऑर्थोपेडिक का और भी डॉक्टर वो होंगे डॉक्टर या जो भी फिजियोथेरेपिस्ट उसको दिखा दो, कर नो नो ही इज़ एक्सपर्ट इन द नी एंड द एंकल। तो वो ज़माने में इतनी एक्सपर्टाइज थी इसके अंदर के हर पार्ट का अलग अलग डॉक्टर था एंड हु इज एक्सपर्ट। तो वो खैर आया, उसने मुझे जो है वो ठंडे पानी में डाल दिया, घुटना पर गर्म में डाल दिया। मैंने पता नहीं क्या कर रहा है भाई ये, खैर समहाउ यानी आई गॉट अ रिलीफ। तो एडवांस और हम लोग जैसा कि दयाल साहब ने भी बताया कि आजकल कोई भी टीम इंडिया की हो या स्टेट टीम की है वो फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा रखती है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हेड कोच होता है टीम का वो ये चाहता है कि मुझे टुमारो वी आर प्लेइंग अगेंस्ट एक्स एंड वाइट टीम लाइक जर्मनी और हॉलैंड, आई नीड दिस पर्सन टू बी रेडी बाई टुमारो बिकॉज ही गॉट द सिप्स है या जो भी है, उसको उसकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि वो हेड कोच डॉक्टर को नहीं भेजता, हेड कोच कहता है फिजियोथेरेपिस्ट को कहता है कि आई नीड दिस बॉय बाई टुमारो। क्योंकि बाद मरतबा ऐसे मैचेस आते हैं कि वी गेट लेस देन 24 आवर्स टू रिकवर, मे बी 18 आवर्स। आपने शाम को खींचा आगे टुमारो पे, ही इज़ अ क्रूशियल प्लेयर ऑफ आर टीम। तो ये आप देखिए कि उसका जो काम है फिजियोथेरेपिस्ट की हैज़ अ मोर इम्पॉर्टेंस देन द डॉक्टर। तो उस प्रॉस्पेक्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जब हम लोग खेल रहे थे व्हेन आई वाज द चीफ कोच, तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और हमारे डॉक्टर क्रूज थे
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए पूना आर एम उसमें थे मेडिकल से, उन्होंने पता नहीं उस बच्चे को, और फिजियोथेरापिस्ट में यही होता है कि आप जो है रिकवरी जो है एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा, जहां मसल टियर अप हो जाता है वहां पे मेम्ब्रेन को ये लोग यूज़ करते हैं और फिर उसको ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है आई वुड से, और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस फील्ड में है, किस कौन सी क्या करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि हम लोगों को इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग चाह रहे हैं कि द इंडियन हॉकी टीम के लिए हमारे पास आइस चैम्बर, आजकल नया जो आ गया कि -50 डिग्री तक वो आइस चैम्बर डेवलप करता है उस डिग्री, और वो उसके अंदर जो है 5 या 8-10 सेकेंड्स तक वो स्पोर्ट्स पर्सन को भेजते हैं और फिर उधर से निकालते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ कॉस्टिंग 4.5 करोड़ रुपीज़। तो उसमें वो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हाउ टू क्लियर आइस चैम्बर और इम्पोर्ट करना है। तो वी ऑल्सो ट्राइंग कि इसको डेवलप किया जाए, लाइक ए फ्रिज है, अगर आप फ्रिज ऐसा कर दे डीप फ्रीजर की तरह, -20, -30, -40 डिग्री है, तो उससे ट्रीटमेंट करते हैं। और जो लेटेस्ट जो हम लोग के बीच में डिस्कस होता है कि इसको कैसे एकदम से आप जो फटीक हो जाता है प्लेयर, एक तो चोट होता है, एक फटीक हो जाता है जिससे खेला नहीं जाता। आपने सुना होगा बहुत क्रिकेटर्स के, यार ये तेंदुलकर है जीरो पे आउट हो रहा है, तो वो जीरो पे आउट होना नहीं चाहता, मगर उसकी बॉडी डजंट वर्क, रिफ्लेक्सेस जो है उसका काम नहीं करती, जितनी तेज़ बॉल आ रही है उसको रीड नहीं कर पा रहा है, और उस कहीं भी स्लिप पे कैच हो गया है जो भी हो गया है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो आइस ट्रीटमेंट देते हैं कि पूरे स्पोर्ट्स पर्सन को जैसे ही खेल के निकलता है उसको बर्फ़ के पानी में डुबो देते हैं, और वो पॉट डुबोने के बाद दूसरे गर्म पानी में वार्म वाटर में डालते हैं, तो उससे आदमी जो है बिल्कुल जैसे अलर्ट हो जाता है, उसकी जो माइंड शार्पनेस जो होती है बहुत तेज़ होती है, वो जो है और ही बिकम्स फिट अ प्लेयर टू प्ले नेक्स्ट डे।